ये आज मैंने सार्डिन मछली 1 किलो ली है। इसे अच्छी तरह से साफ करने के बाद अब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये सार्डिन मछली ये तो समुद्री मछली है। इसके गुण तो हम सभी जानते ही हैं कि ये इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में है, साथ ही विटामिन B12, प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ भरपूर मात्रा में है। तो आज केरल में ये किस तरह से बनाया जाता है उसकी एक विधि मैं यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं और इसके साथ साथ जो बाकी सामग्री चाहिए उसे देखते हैं। ये प्याज है जिसे हमने चॉप करके रख लिया है, साथ ही हरी मिर्च 3 से 4 मैंने ली है। साथ ही जो केरल में हरी मिर्च मिलती है वो इस तरह की भी मिलती है, इसका में बहुत ज़्यादा झाल होता है तो इसे मैंने लिया है। साथ ही करी पत्ते स्वाद अनुसार ले लेंगे। ये शैलट्स हैं, इसे भी छोटा छोटा काट लेंगे। अब इसके साथ साथ हमें जो बाकी सामग्री चाहिए वो है अदरक और लहसुन, तो अदरक को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और लहसुन ये भी 10 से 12 कलियां मैंने ली है। और ये मलबार टैमरिंड या एक तरह की इमली जो केरल में पाई जाती है, इसके बहुत अधिक गुण हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक गुणकारी हैं, तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, इसका डिटेल में दे दूंगी। ये एक तरह का इमली है जो खट्टी होती है, तो इसे 5 मिनट के करीब मैं अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसे थोड़े पानी में भिगो कर रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इस तरह का एक पारंपरिक बर्तन है जो मिट्टी का बना हुआ है, तो इसी में ये डिश बनता है। सबसे पहले मैंने फ्रेश नारियल जिसे ग्रेट करके रख लिया है उसे लिया है। एक नारियल पूरा मैंने ग्रेट करके रख लिया है। इसमें से थोड़ा फ्रेश नारियल ले करके एक छोटे मिक्सर में ले लेंगे और थोड़ा मिर्च, ताकि इसमें थोड़ा झाल आ जाए इसके लिए थोड़ी मिर्च भी डाल देंगे और इसे क्रश करके निकालेंगे। इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, क्रश कर लेंगे ताकि इसका जो झाल है ये इसमें अच्छी तरह से पकड़ ले। तो अब हम इसे डाल देते हैं। साथ ही जो बाकी बचा हुआ फ्रेश नारियल है उसे भी हम डाल देते हैं और जो चॉप किए हुए प्याज, हरी मिर्च, शैलट्स, लहसुन, ये अदरक है और करी पत्ते। इसके साथ साथ मसालों में हल्दी आधा चम्मच मैंने डाला है और ये 1 से 1.5 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं मसालों को। 1/4 चम्मच ये मेथी का पाउडर है, इसे भी डालेंगे। ये इमली या जो टैमरिंड, मलबार टैमरिंड है, इसे हम डाल देंगे। इसके जो पानी है उसको फेंकेंगे नहीं, पानी को भी इसी में डालेंगे। और अब देखिए ये बिल्कुल मुलायम हो चुका है ये टैमरिंड, तो इसे भी हम इसमें इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल देते हैं। अब इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से हर तरफ से इसे मिलाएंगे और ये इस तरह से मिलाने से ही इसका जो पूरा मसाले जो है ये सभी अच्छी तरह से सब तरफ पकड़ लेंगे। अभी तक मैंने आँच ऑन नहीं किया था, अब जो गैस की फ्लेम है वो मैं ऑन करने जा रही हूँ। पहले सबसे पहले इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे इस तरह से दबाने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसे पकने के लिए थोड़ी मात्रा में, आधा ग्लास के करीब मैं डालूंगी। थोड़ा पानी तो ये मछली खुद छोड़ेगी और थोड़ी पानी ताकि पकने का ज़रूरत है इसलिए थोड़ा पानी चाहिए। अब इसे बंद कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे। तो करीब 10 मिनट हो चुका है। अब ये इस तरह से देखिए पानी छोड़ रहा है, तो साइड में पानी का बबल्स दिख रहा है, तो अभी भी इसमें पानी है। तो हम धीरे धीरे एक वुडन स्पैचुला से इसे हिलाएंगे। बिल्कुल फ्लैट स्पैचुला है इसलिए इसे बिना तोड़े हुए हम इसे धीरे धीरे हिलाएंगे और इसे फिर से तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पानी पूरा इसमें सोख ना ले, तब तक हम इसे पकाएंगे। थोड़ी देर और हम पकाएंगे, 5 से 10 मिनट मैंने फिर और पकाया।
अब देखिए ये पानी बिल्कुल सूख चुका है और ये जो कलर चेंज दिख रहा है ये इमली का है, जो मलाबार टैमरिंड है उसका जो खट्टास है वो पूरा इसमें पकड़ चुका है। तो अब ये तैयार है बिल्कुल, और देखिए इसका पानी पूरा सूख चुका है और ये इस तरह से ये तैयार है। अब आखिर में थोड़ा नारियल तेल हम इसके ऊपर से डाल देंगे जिससे इसका फ्लेवर और अधिक बढ़ जाता है। और ये बिल्कुल तैयार है, ये आप चावल के साथ, रोटी के साथ आप ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। केरल का ये स्पेशल डिश आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा।